गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव कम्प्लीटेड अवर फोर्थ चैप्टर विच इज़ व्हाट बुक्स एंड ब्रियल्स टेल अस, लेट वी स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर किंगडम्स किंग्स एंड एन अर्ली रिपब्लिक। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर वी विल नो अबाउट द एंशिएंट टाइम किंगडम्स एंड किंग्स एंड द अर्ली रिपब्लिक। यू नो कि एज यू नो द किंगडम और किंग्स which is a non-democratic, which is a monarchy system, but there is an ancient time, there is a republic also. So we will discuss about this those republics, kingdom, and which is the ruler was chosen by the elected by the people. Got it? So how some men become ruler? सो यू नो कि चूजिंग लीडर्स और रूलर बाय वोटिंग इन समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। हाउ डिड मैन बिकम रूलर इन द पास्ट? सो एज आई टोल्ड यू कि हाउ द रूलर बिकम रूलर्स इन द पास्ट एंड इम्पोर्टेंट थिंग दैट द सम ऑफ द राजाज वर we have read in the fourth chapter probably chosen by the janas. So as I told you ki dekho simply kya hai ki jo jan hai which is choose by their representative or rajas, but we had some changes about around 3,000 years ago. As we can see ki dekho isme basically hua kya ki dheere dheere kya hua changes aane lage. सो एज आई टोल्ड इन द लाइव क्लास ऑल्सो कि जो राजाज हैं वो परफॉर्मिंग करने लगे सेक्रीफाइस, इट मीन्स जो यज्ञ होता है उसको वो क्या करने लगे, जो किंग हैं वो उसको क्या करने लगे, जो राजाज हैं उसको बेसिकली जो किंग है उस यहाँ पर उसको राजा कहा गया है। सो आई विल कॉल द राजा, गॉट इट? सो जो राजा हैं वो बेसिकली क्या है कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है? तो सेक्रीफाइसेस परफॉर्मिंग वेरी बिग सेक्रीफाइस परफॉर्मिंग बाय द राजास। सो बेसिकली विच द सेक्रीफाइस वर कॉल अश्वमेध, ठीक है? सो अश्वमेध में क्या होता था कि दे हैव अ हॉर्स, ठीक है, उनके पास हॉर्स है। अब वो हॉर्स क्या कर रहा है, गार्ड कर रहा है ऑन द एंड बाय द राजाज मैन एंड एंड द किंगडम ऑफ द होल किंगडम ऑफ द राजाज। एंड इफ समवन किंग या समवन राजा स्टॉप इट, ठीक है, अगर उस हॉर्स को, मान लो हॉर्स है, मान लो ये राजा का एरिया है और यहाँ पर चारों तरफ क्या कर रहा है, हॉर्स क्या कर रहा है, राउंड कर रहा है। और दूसरी बात, अगर वो इसके इर्द गिर्द भी जाता है, मान लो यहाँ पर किसी राजा का और अपनी टेरिटरी है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए, इसमें सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर जो टेरिटरी है, अगर ये स्टॉप कर लेता है उस हॉर्स को, ठीक है, वो उस हॉर्स को अगर स्टॉप कर लेता है, सो ही हैव टू बिकम फाइट टू द राजा, ठीक है, जिसने अश्वमेध जो सेक्रीफाइस किया है उसके साथ बेसिकली उसको क्या करना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, लड़ाई करनी पड़ेगी। और जिन्होंने उसको जाने दिया है तो होता क्या है कि जिन राजाज ने उस हॉर्स को जो है चारों तरफ उसको घूमने दिया है, तो बेसिकली वो उसको क्या करेंगे, वो जो राजा है विच हैव द हेल्ड द परफॉर्म द सेक्रीफाइस, वो उनको क्या करेगा, इनवाइट करेगा फॉर द जो उसके रिचुअल हैं उनमें, वो उनको इनवाइट करेगा और वो उनके लिए गिफ्ट भी ले जाते हैं बेसिकली। सो द राजा हु ऑर्गेनाइज द सेक्रीफाइस वाज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, ठीक है, वेरी पावरफुल एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉड गिफ्ट फॉर हिम, ठीक है। अच्छा, सो द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल एंड ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन, हिज चैरिटी, इट मीन्स जो राजा का जो सारथी होता है, जो क्या करता है, जो राजा के चैरिट को क्या करता है, ले जाता है, अपने साथ ले जाता है, तो उसको चैरिटीर कहते हैं, ठीक है। सो हु वॉज हिज कैंपियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी। तो देखो बेसिकली होता क्या कि यज्ञ चल रहा है, तो वो राजा की क्या उसकी गाथाएँ और उसकी स्टोरी जो उसकी ब्रेव की के जो उसके विटनेस हैं बिकॉज ऑफ द चैरिटी जो है उसके साथ हमेशा रहा है,
उसका सारथी रहा है एज ए ड्राइवर वी कैन से। सो उसे सब पता है कि उस फोर्ट में या उस बैटल में क्या हुआ है, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी वो बखान करता है। ठीक है, अच्छा। सो हिज़ रिलेटिव स्पेशली हिज वाइफ एंड सन हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ हिज वाइफ एंड सन्स हैड टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ माइनर रिचुअल। द अदर राजाज वर सिंपली एक्सपेक्टेड हु हैड टू सिट एंड विज द परफॉर्मेंस ऑफ द सेक्रीफाइस। तो सिंपली बात है कि अदर जो राजाज हैं वो उसको देखते हैं और उस में एक पार्टिसिपेट टाइप करते हैं। ठीक है, सो द ऑर्डनरी पीपल द विस और वैसे ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट। देखो अब इसमें जो ऑर्डनरी पीपल हैं, जो लोग हैं उस राजा की, जो उसका किंग है, किंगडम है उसका, ये उसका वो ये एरिया है, तो उसके क्या होंगे, कुछ लोग भी होंगे। ठीक है, उसके लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं और उनको उसके लिए ऑर्डनरी पीपल जो हैं वो गिफ्ट ला रहे हैं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है कि उस टाइम पे भी कास्टिज्म था, तो लोअर जो कास्ट के जो लोग हैं, जो शूद्रज वाज अ प्राइस्ड वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मैनी रिचुअल्स। अब मैनी रिचुअल्स में उनको क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, जो शूद्रज हैं, तो देखो ये बेसिकली उस टाइम से एंशिएंट टाइम पे चला है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बट उस टाइम पे ये उनकी मान्यता रही होगी। ठीक है, बट अभी क्या है, अभी हमारे यहाँ कास्टिज्म नहीं है, वी आर ऑल इक्वल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये ज़रूरी भी है बिकॉज यू नो कि एट फर्स्ट वी आर ह्यूमन। ठीक है, एंड सेकेंड वी आर इंडियन। ठीक है, वी आर नॉट हिंदू, वी आर नॉट मुस्लिम, वी आर नॉट इन अ सिख, यू नो क्रिश्चियनिटी। सो बेसिकली ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सोसाइटी को डिवाइड करने वाली चीज़ है। ठीक है, तभी तो अंग्रेज़ों ने इतना टाइम राज किया हमारे ऊपर। सो उसके बाद देखो, अब वी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टॉपिक जनपदा। तो जनपदा बेसिकली देखो, जो आजकल डिस्ट्रिक्ट है, मान लो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, डेट वी कॉल ये, इसको हम क्या कहेंगे, जनपद कहेंगे। ठीक है, सो इसको क्या कहेंगे, जनपदा कहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली उस टाइम पे भी क्या होते थे, जनपद होते थे, जो एक तो जनपद होते थे और एक महाजनपद होते थे। सो बेसिकली जो जनपद हैं, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया। ठीक है, और इट मीन्स जो सिंपली जो जनपद हैं, एक स्मॉल सिटीज़, और स्मॉल सिटी वी कैन से मेगा सिटी से, तो महाजनपद से थोड़ी कम छोटी सिटी। ठीक है, सो द राजा हु परफॉर्म दीज बिग सेक्रीफाइसेज वर नाउ रिकॉग्नाइज एज बिंग राजाज ऑफ जनपदास रादर देन जनास। सो द वर्ल्ड जनपदा लिटरली मीन्स द लैंड वेयर द जना सेट इट्स फुट एंड सेटल डाउन। सो सिंपली जो जनपदा का जो लिटरली मीनिंग है कि वेयर द जना सेट इट्स फुट, जहाँ जन ने अपने क्या रखे हैं, फुट रखे हैं, पैर रखे हैं, एंड सेटल डाउन, और वहाँ क्या हुआ, सेटल हुए हैं। सो हुआ क्या कि देखो, जो राजाज हैं उन्होंने अब क्या रिकॉग्नाइज कर लिया है अपनी टेरिटरी को, क्योंकि उन्हें सेक्रीफाइस कराया है, अश्वमेध यज्ञ जैसा उन्होंने एक रिचुअल कराया है। सो दे हैव अ पावर, और दे हैड अ पावर एंड दे वर मोर पावरफुल रादर देन वो और जनपदों से क्या है, पावरफुल हैं। सो आर्कियोलॉजिस्ट हैव एक्सक्यूवेटेड अ नंबर ऑफ सेटलमेंट इन दिस जनपदा सच एज पुराना किला इन दिल्ली। देखो जनपद के कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को सेटलमेंट में मिले हैं, जैसे पुराना किला दिल्ली में, हस्तिनापुर नियर मेरठ, ठीक है, एंड अतरंजी किला, ये दोनों कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में ही हैं। ठीक है, देन दे फाउंड दैट पीपल लिव्ड इन हट्स एंड केप्ट कैटल एज वेल एज अदर एनिमल्स। तो देखो ये हट में रहते थे, सो बेसिकली एज आई टोल्ड यू इन योर लाइव क्लास ऑल्सो कि हट में रहते थे, तो सिंपली क्या है कि ये मेगा सिटीज से थोड़ी छोटी सिटीज रही होंगी। ठीक है, दे ऑल्सो ग्रो अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, राइस, वीट, बेरली, पल्से, शुगर केन, सीसम एंड मस्टर्ड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उस जनपद में उन लोगों के द्वारा क्रॉप को ग्रो किया जाता था। एंड दे मेड अर्दन पॉट्स। अर्दन पॉट इट मीन्स यू नो कि जो मिट्टी का बना हुआ जो पॉट है, दैट वी कॉल अर्दन पॉट, ये जो ग्रे कलर का पॉट है, दैट वी ग्रे जो पॉलिश्ड पॉट है, इसमें देखो सिंपली अगर तुम देखोगे तो इसमें देखो कुछ क्या है, ड्राइंग भी है। ठीक है, तो ये ड्राइंग जो है उस टाइम की बनी हुई जो अर्दन पॉट्स हैं उनको यूज किया गया है। ठीक है, सो जो जितने भी ये अर्दन पॉट्स हैं ये भी क्या हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को फाउंड हुई हैं। एंड वन स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी फाउंड एट दिस साइट इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर। सो पेंटेड ग्रेवेयर है, उसका कलर क्या है, ग्रे है। एंड दीज ग्रे पॉट्स आर पेंटेड डिज़ाइन, उसमें डिज़ाइन एज आई टोल्ड यू आप उसमें देख रहे होंगे। एंड यूजुअली सिंपल लाइन्स एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, उसमें क्या है, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बने हुए हैं, सिंपल लाइन्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये देख लो इसमें क्या है, सिंपल लाइन्स और ज्योमेट्रिक पैटर्न बने हुए हैं इसमें। ठीक है,
वी विल टॉक अबाउट महाजनपदा इन अ नेक्स्ट वीडियो. ओके, सो गुड बाय, हैव अ गुड डे.